नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बंसी विष्णु एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं उज्बेकिस्तान के एक ऐसे अति प्राचीन शहर में हूँ जिसका नाम है खीवा। वो पहले इसलिए प्रसिद्ध था कि यहाँ पे मनुष्यों को बेचा और खरीदा जाता था। तो उस शहर में आ गया हूँ और इस शहर की बहुत ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री रही है। इतना बड़ा कोई शहर नहीं, इसकी आबादी कोई 50,000 के करीबन है। तो मैं आज सुबह यहाँ पे ट्रेन से आया था बुखारा से, जो डायरेक्ट ट्रेन थी, और उसका भाड़ा करीबन 800 रुपये के आसपास लगा था। इस शहर के बीचों बीच एक किला बना हुआ है जिसको कहते हैं इचान कलात, और इस किले के अंदर करीबन 250 घर हैं, और ये किला चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से बना हुआ है। तो इस किले को काफ़ी पहले सोवियत वालों ने पहले सुरक्षित कर लिया था। इस शहर में 10वीं सदी से पहले यहाँ पे ईरानी भाषा बोली जाती थी, लेकिन धीरे धीरे तुर्क लोगों ने यहाँ पे अपना कब्जा जमाना शुरू किया और फिर तुर्क भाषा यहाँ पे बोले जाने लगी। तो अभी हम शहर की तरफ बढ़े जा रहे हैं। हमारा हॉस्टल पीछे था, वहाँ पे हम कोई 600 रुपये के आसपास दे रहे हैं और काफ़ी शानदार जगह थी। तो शहर काफ़ी खूबसूरत है, हरा भरा है। इस शहर के ठीक बगल में तुर्कमेनिस्तान की बॉर्डर है, सिर्फ 5-6 किलोमीटर की दूरी पे पीछे की तरफ। शहर में हर कहीं जगह पे आपको सेब के बागान तो दिख ही जाएंगे, जगह जगह आपको बगीचे दिखेंगे, और पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ। आसपास नदी चलती है, यहाँ पे मोटर लगाई और इस नाले में पानी डाल रहे हैं और इसमें पूरे शहर में पानी चला जाता है। तो पानी को लिफ्ट करके शहर को सप्लाई किया जाता है। ये पानी देखो बारिश वाला है, इसलिए पूरा धूल मिट्टी वाला आ रहा है। ये देखो भाई, प्यारी सी कार, बहुत पुरानी। ऐसी ऐसी यहाँ पे हिस्टोरिक कारों को लोग लोडिंग और मतलब कह सकते हैं रिक्शा की जगह यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे एक और कार खड़ी है, उसको देखो ऊपर दो लंबे लंबे लकड़े फिट कर देते हैं और फिर बढ़िया सा सामान भर के ऊपर ले जाते हैं। तो ये काफ़ी पुरानी कार है, लेकिन इसका यूज़ ऐसे कुछ करता, अपने वहाँ होती तो शायद इसकी अच्छी खासी कीमत होती है। ठीक है, तो अभी एक और कैनाल, यहाँ पे भी पानी थोड़ा थोड़ा जाता हुआ बारिश का। मैं बड़े गारंटी के साथ आपको एक बात बता दूँ, उज्बेकिस्तान फुली सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। आप कभी भी किसी भी टाइम में यहाँ पे ट्रेवल करो, कहीं भी जाओ, कोई मसला नहीं है यहाँ पे। कोई अटैक कर या कोई चोरी चकारी ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि भाई ध्यान वगैरह रखना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रोड साइड है, जहाँ टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे तो अच्छी खासी जगह दिखेगी। अगर अंदरूनी साइड जाते हैं तो आपको साफ गरीबी दिखती है कि यहाँ के लोगों की इनकम सोर्स कुछ ज़्यादा नहीं है। बस कोशिश कर रहे हैं पक्के मकान तो बनाने की, लेकिन मुझे कोई ऐसा स्रोत नहीं दिखा कि जिससे इनकम होती हो। ये लोग क्या करते हैं, रशिया या आसपास के देशों में जाते हैं और वहाँ पे काम काज करते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, और वहाँ से कमाई करके लाते हैं। ये देखो उज्बेकिस्तान की याद, अफगानिस्तान की याद दिलाती दीवारें। ठीक है, तो बीच बीच में पक्के मकान हैं, बीच बीच में कच्चे मकान हैं। तो इनके पास ये पानी ना हो तो बहुत ज़्यादा गंभीर हालत हो सकती है यहाँ पे। ये देखो शहर की खूबसूरती भाई, ये स्कूल की बच्चियाँ शायद वापस अपने घर जा रही हैं, और सड़क के पास देखो भाई बहुत ज़्यादा फूल और ये सब लगाए गए हैं। हर जगह आपको फूल नज़र आएंगे। सर्दियों में यहाँ पे भी बर्फ़बारी होती है, इनके घरों के ऊपर भी बर्फ़बारी होती है, तो वो भी घर इसी तरह से बनाते हैं कि बर्फ़ हटाई जा सके। अब हम करीबन शहर के अंदर पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भाई आज थोड़ा एनर्जी है क्योंकि दो दिन का ब्रेक लिया है। दो दिन मैंने वीडियो वगैरह शूट नहीं किया, कुछ भी रेस्ट कर रहा था, और आज थोड़ा मूड बना कि इस शहर को एक्सप्लोर किया जाए और आपको दिखाया जाए। जैसे ही जैसे सिटी सेंटर नज़दीक आ रहा है, आपको यहाँ से कुछ तस्वीरें दिखनी शुरू हो जाती हैं। पहले के ज़माने में बहुत मेहनत करके कुछ हिस्टोरिक चीज़ें बनाई होगी, लेकिन अब ये बनाना बहुत आसान हो गया है। अब ये लोग हर घर के बाहर या हर बड़ी बिल्डिंग के बाहर कुछ ब्लू कलर की टाइल्स है, वो ऐसे ही बना देते हैं और उसको बड़ी आसानी से लगा के एक बढ़िया सा आपको जैसे हिस्टोरिक चीज़ दिखती है वैसा ही बना देते हैं। तो हर जगह आपको ये सब रंग रूप नज़र आता है, और ये अब जब नई बिल्डिंग बना रहे हैं, जो पुराना शहर है उसको सब वही डिज़ाइन से वही ईंटों से बना रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये पुराना ऐतिहासिक शहर है। और यहाँ पे उज्बेकिस्तान का झंडा बहुत ऊंचा। ये बड़ी बड़ी सड़कें शहर के सिटी सेंटर की तरफ जाती हुई, और ये भाई साहब जो हैं
मातुमुकुली, ये तो हर जगह दिख जाते हैं, ये इनके कोई खास लीडर हो सकते हैं पहले के। यहाँ पे इन फ्रूट की सीजन चल रही है तो पेड़ पूरे भरे पड़े हैं, लदे पड़े हैं। ये देखो सामने ही किले में जाने का गेट है, इसको बोलते हैं बक्सा दरवाजा। आप देख लो बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं। ये इस तरह से दीवारें बनी हुई मोटी मोटी, और काफ़ी पुराना किला है, सदियों से लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पे रहे हैं। कभी यहाँ पे ईरानी थे, कभी तुर्की तुर्क थे, तो कभी सोवियत वाले भी यहाँ पर पहुँच गए थे। इसके पहले कि हम इस किले के अंदर जाएँ, तो कि उससे पहले हम आपको बाहर से दिखाना चाहते हैं। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, देखो पूरा मिट्टी की बनी हुई दीवारें हैं, पूरा मिट्टी के, और बीच बीच में इसको सपोर्ट के लिए लकड़े हैं, और मेन डोर है वो है ईंटों से बना हुआ। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर से घूम के देखते हैं। अंदर जाने का शायद कोई पैसा नहीं है, और ये यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, इसको बोलते हैं बोगचा दरवाजा, 17वीं सेंचुरी में बनाया गया है। दरवाजा वही पुराना लकड़ियों से बना हुआ, और उसके ऊपर काफ़ी अच्छी डिजाइन बनाई गई है। तो जैसे ही इस दरवाजे के अंदर आते हैं, ये बड़ा सा गेट, और यहाँ से एक सीढ़ियाँ बनी है जो ऊपर की तरफ जाती हैं, और ये सामने मोटी मोटी दीवार जो गारे से बनी हुई है, इस तरफ भी सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अभी हम चलते हैं इसके अंदर का व्यू दिखाते हैं, देख लो। तो भाई इस दीवार पे ऊपर वॉक करने का 20,000 सोम है, करीबन 150 रुपये के आसपास। तो हम इस वॉल पे ज़रूर जाएंगे, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हेलो, ठीक है, तो चलते हैं इस दीवार के ऊपर और आपको दिखाते हैं कि ऊपर से क्या दिखता है और दीवार आखिर में है कैसी। थैंक यू, चलते हैं भाई। ये हो गया टिकट, अब ऊपर चलते हैं इस गारे मिट्टी की दीवार पे। इंडिया बस बोलते ही पहचान जाते हैं, बोलते हैं नमस्ते, थैंक यू, ओके ओके, पनोरमा, पनोरमा व्यू फ्रॉम देयर और ओके, वहाँ से जाना है, पनोरमा व्यू देखते हैं भाई। इंडिया के लोग बहुत सारे आते हैं यहाँ पे। ये दीवारें वापस रीबिल्ड की गई है, और अब हम चलते हैं यहाँ से, ओके नो प्रॉब्लम, थैंक यू, वेरी गुड, सो ब्यूटीफुल, या भाई देख लो किले की दीवार कुछ ऐसी दिखती हैं, और ये पूरा रीबिल्ड किया गया भाई, ये सारी चीज़ें रीबिल्ड की गई इन्होंने। मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ यहाँ से, ये देखो ये ज़बरदस्त डोम देखो भाई, ये डोम ऐसे पत्थर से बनाए गए ऊपर, और ऊपर यहाँ पे दो ये चीज़ें आपको दिखेगी। बाकी भाई देखो चलते हैं, आपको घूम के थोड़ा दिखा देते हैं कि यहाँ की हिस्ट्री क्या है। आप लाइक करते नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन देखना ज़रूर चाहिए कि यहाँ के लोगों का इतिहास क्या है। और यहाँ से शहर देखिए भाई, तो इसके अंदर भी देख लेते हैं इस डोम में क्या दिखता है। देखो ये कुछ ऐसा है भाई, कुछ नया कुछ पुराना बनाया हुआ, और ऊपर इन्होंने ये टाइल्स लगा दी। मैंने बोला ये बहुत आसान है, दो कलर की टाइल्स चाहिए और ये यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाती है, इसमें कोई कारीगरी नहीं है। जो कारीगरी और जो इतिहास, और ये भाई देखो मौत का कुआ है यहाँ पे, गलती से चलते चलते हम अंदर चले गए तो काम ख़त्म। ये देखो भाई मिट्टी गारे की दीवार रीबिल्ड की हुई, ये देखो इसके अंदर पूरे 250 जैसे घर हैं और 50 जैसे जो है हिस्टोरिक जगह हैं। तो किले के ऊपर की दीवार कुछ ऐसी दिखती हैं और अंदर के घर कुछ ऐसे दिखते हैं। शहर के अंदर देखो, इस किले के अंदर कुछ ऐसे टावर बने हुए हैं, वो टावर इन्होंने कुछ अजान के लिए बना रहे थे, लेकिन एक राजा इसके बनाने से पहले ही ख़त्म हो गया, और दूसरे को फिर डाउट लगा कि
जब इस टावर के ऊपर जाके कोई अजान पड़ेगा तो उसको अपने घर से अपने महिलाएं दिख जाएगी, तो फिर उसने भी छोड़ दिया। इसमें काफ़ी सारे टावर है, 3, 2, 5। हमने टिकट ले लिया है तो इस किले की दीवार पे आराम से घूम सकते हैं। 20,000 सोम, करीबन 150 रुपये। और ये देखो बीच बीच में डोम बना रखे हैं। तो चल के आपको पूरा दिखाते हैं ये किला। कुछ खास चीज़ें ज़रूर देखने को मिले क्योंकि इसमें भी 250 जैसे घर हैं इस शहर के अंदर। तो हम ऊपर चल रहे हैं तो ऊपर से तो हम किसी का घर देख ही सकते हैं। देखो ये अंकल जी कुछ फ्रूट सुखा रहे हैं और इनके घर के अंदर भी कुछ रखी हुई है। देखो के अंदर जितने भी घर हैं सारे घर मिट्टी गारे से बने हुए हैं, मतलब काफ़ी अच्छी तरह से बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि मिट्टी गारे से बने तो कोई घर ख़राब है, बढ़िया डिज़ाइन और बढ़िया क्वालिटी से बनाए गए हैं। और काफ़ी सारे इसमें होटल और रेस्टोरेंट बना दिए गए हैं। तो अब देखो हम चलते हैं सीधा, और काफ़ी दूर तक फैली हुई है ये किला। उधर से देखो आपको दीवार दिख रही है तो वो टावर से होते हुए पूरा एक बना हुआ है सर्कुलर में। लेकिन जैसलमेर का जो किला है उसका कंपैरिजन में ये 1% भी नहीं है, क्योंकि वो किला बहुत ज़्यादा अलग किला है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा कला है, बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक चीज़ें हैं, बहुत अच्छी डिज़ाइन है और बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये देखो इनके घर, पूरा बीहड़ है भाई, पूरा बीहड़ में बसाया हुआ शहर है। ये देखो तो कुल मिला के मध्यकालीन है वो इस शहर के लिए, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है, अच्छा कोई परिणाम नहीं है। यहाँ पे बस लोगों को खरीद फरोख्त की जाती थी, लोगों को गुलाम बनाया जाता था, लोगों को बेचा जाता ईरान और इधर आसपास के लोगों को, ईरानी लोगों को बेचारों को काम करवाया जाता था और बेचा जाता था। अब हम यहाँ पे हैं, यहाँ से क्या देखने को मिलता है, सीधा ऊपर ही चलते हैं। ओ भाई साहब, मुझे नहीं दिखा पर आपको जरूर दिखा होगा क्या था क्या नहीं। इधर एक आध तस्वीर हो गई, तस्वीर मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर देख सकते हैं, लोकेशन भी टैग कर दूंगा। बाकी ये पीछे आप घर देख सकते हैं, कुछ होटल, कुछ रेस्टोरेंट, कुछ यहाँ के रहवासियों के घर हैं। तो अब हम चलते हैं धीरे धीरे आगे और इन कच्चे बस्तियों को देखते हुए। सारे घर कच्चे हैं। और एक बात, इसको बनाने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए यहाँ के घरों को खाली करा दिया था पहले, यहाँ से लोगों को निकाल दिया था, तो करीबन सोवियत काल में। और उसके बाद इसको, मतलब बोला जाए ना तो इसको व्यवस्थित रखने के लिए ये सब किया गया था। लेकिन उसके पहले तक इसका आधा काम तो निपटा दिया था। इसके आसपास चलने के लिए काफ़ी मोटी मोटी सड़क बनाई गई है और पीछे की तरफ एक स्क्वायर आपको दिखेगा। और शहर के पीछे की तरफ देखो आपको एक उज़्बेकिस्तान का झंडा लहराता हुआ, और बस ये शहर के नज़ारे। बच्चे काफ़ी शर्मीले। ये जो मोटी मोटी दीवारें गारे से बनी हैं, जो घरों के छत है वो भी गारे से बनी, तो वो गारे की छत क्यों नहीं पिघलती है? इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर गारा, मिट्टी और साथ में ये जो गेहूँ का भूसा होता है ना उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पकड़ कर लेते हैं और फिर उसके बाद ये गिरता नहीं है, मिटता नहीं है, धुलता नहीं है। अब मुझे लगता है यहाँ पे दीवार का एंड पॉइंट हो गया है, और इन्होंने यहाँ पे एक नीचे उतरने की सीढ़ी तक नहीं रखी, क्योंकि आपको अगर दूसरी तरफ जाना है तो आपको वापस जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ तक जाना होगा, नहीं तो यहाँ से नीचे कूद जाना होगा। ये शायद एक पीछे फैक्ट्री जैसा कुछ सीन लग रहा है,
और ये एक किले का अंदरूनी भाग है, इसके अंदर कोई बिल्डिंग वगैरह हो सकती है। तो अब यहाँ से नीचे उतरने की जगह नहीं है, वापस कम से कम 500 मीटर वॉक करो और फिर वापस दूसरी तरफ जाओ। तो चलते हैं। और ये यहाँ के एंशिएंट घर हैं, आप देख सकते हैं मिट्टी लकड़े गारे से बने हुए, और इसमें होटल वगैरह सीन है कुछ। इस किले में रहने वाले लोग अपनी गाड़ी व्हीकल लेके अंदर आ सकते हैं, बाकी बाहर के लोगों को अंदर गाड़ी लाना अलाउड नहीं है। तो वही सेम सिस्टम है जैसलमेर किले के वाला ही। इन सारे घरों में एसी लगी हुई हैं, यहाँ पे आपको एक भी इलेक्ट्रिक का तार या एक भी खंबा नहीं दिखेगा। पूरे शहर में तो आपको बाहर तो जाते दिख जाते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसी जगह हैं टूरिस्ट स्थल जहाँ पे आपको बाहर कोई चीज़ नहीं दिखती, बाहर कोई खंबा नहीं दिखता, सारे अंडरग्राउंड इन्होंने पहले से ही कर दिया है। इनको पता है बड़ी स्कीम के साथ इस बिजनेस को बनाया जा रहा है, इस टूरिस्ट स्थल को, कि कैसे लोगों को यहाँ पे आकर्षित किया जाए, कैसे लोगों से पैसा निकाला जाए। तो इन्होंने ये दीवार बनी है ना, हर जगह हर शहर की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले की सारी चीज़ें धराशाही कर दी। तो इन्होंने क्या किया ना कि वापस उसी शहर को उसी तरह से बना करके उसको चार्जेबल कर दिया, और फिर कमाई का एक जरिया कर लिया कि अब भविष्य में कमाई सिर्फ टूरिस्ट से ही हो सकती है, बाकी कोई बिजनेस वगैरह इतना अच्छा है नहीं भविष्य। तो इन्होंने कुछ ऐसा ही डिज़ाइन कर दिया है, चीज़ें ऐसी बनाई हैं और ऐसी बनाई जा रही हैं। मैं देख रहा था कि बुखारा में भी ऐसा ही सीन था, समरकंद में भी ऐसा ही सीन था। तो हर छोटे छोटे टूरिस्ट स्थल पर जाने के लिए आपको चार्ज देना पड़ता है, और ये सब चीज़ें उन्होंने रीबिल्ड की है पूरी एकदम। तो ऐसा कुछ मामला है। इसमें कोई बुराई नहीं कह रहा हूँ कि ये सब बुराई है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो ओरिजिनल जो चीज़ें थी वो चीज़ें अब नहीं देखने को मिल रही है, वो सिर्फ दिखावे के लिए बस हैं ये चीज़ें। पूरा इन्होंने बिल्ड कर दिया, आपको लगेगा ही नहीं, लेकिन ये वास्तव में बिल्ड किया, मैंने देखा है पिछले वीडियो में, आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिएगा। एक और नई चीज़ दुखी मुझे, ये देखो एक छोटा सा कुछ मंदिर जैसा बना हुआ है, उसके ऊपर कुछ झंडे लगे हैं, तो इसका कोई मुझे आइडिया नहीं है। ये देखो एक इनसाइड घर है, एक बुढ़िया यहाँ पे बैठी हुई है बस, और कोई नहीं है, और वो कुछ हिल रही है, कुछ पूजा पाठ कर रही है शायद। देखो बहुत ज़्यादा दुभर जीवन है यार, मुझे लगता नहीं ये कोई सुखी जीवन है यार, एकदम सुनसान, एक जेल में कैद जैसा लग रहा है। एक किले के चारों ओर घिर गए, अंदर बैठना है बस, अंदर रहना है तो काफ़ी मुश्किल है यार। अब ये देखो जुगाड़ हर जगह होता है, देखो ऊपर देखने के लिए कुछ लोगों ने पत्थर रख दिए, और इसके ऊपर पत्थर रखे, ऊपर से आप व्यू देख सकते हैं, वाह क्या व्यू है भाई, अमेजिंग, बहुत हरा भरा ग्रीन है। यहाँ पे एक थीम सेट कर दी गई है, कुछ ऐसा ही काम करना है। ये शायद एक कैफे या हाउस कह सकते हैं, होटल कह सकते हैं, कि गलियाँ इसके अंदर की गलियाँ कुछ ऐसी दिखेगी। और ये वाली पूरी ओरिजिनल है, पुरानी दीवार, पुरानी छत, पुरानी ईंटें, उसका नमूना यहाँ देख सकते हैं। ये देखो ये भी ज़्यादा पुरानी तो नहीं लग रही भाई। अच्छा यहाँ पे भी एंड हो गया, इधर से क्या दिखता है, यू कैन सी हियर। तो आगे एंड पॉइंट पे अब वापस जाना पड़ेगा 500 मीटर, 500 मीटर उस तरफ से था, 500 मीटर इस तरफ से, पूरा 1.5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा, 20,000 रुपये दे करके, 20,000 सोम दे करके। मैं चाहूँ तो उस तरफ कूद के जा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता।
पिछले घंटे डेढ़ घंटे से इस पोर्ट की दीवारों पर ही घूम पाए, सिर्फ इधर और इधर। अब हम चलते हैं शहर के अंदर, ये जो पोर्ट के अंदर जो घर बने हैं ना, उन घरों के अंदर से चलते हैं, बीच में से चलते हैं और आपको अंदर के नज़ारे दिखाते हैं। ये अंदर कुछ दुकानें भी आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो अभी हम चलते हैं इसकी गलियों के अंदर। हर घर के बाहर नंबर लगे हुए हैं और ये नंबर प्लेट जो है वो भी एक जैसी बनेगी तो काफ़ी अच्छी लग रही है। नंबर और नाम, स्ट्रीट का नाम है चरगलार। और पूरे शहर की थीम मिट्टी घारे की दीवार है। बुखारा में सब ईंटें थी। ये दरवाजे देखो भाई, ये काफी पुराने हैं और इसके बीचों बीच कुछ एक ऐसा मदरसे जैसा बना हुआ है। और यहाँ पे नीचे की तरफ देखो, आपको कुछ गुफा जैसा सीन दिखेगा, तो शायद ये रहने के लिए छोटे छोटे कमरे हैं। और ये मदरसे तो भाई हर जगह बने हुए हैं पर अभी यहाँ पे कोई रहता नहीं है, सिर्फ नाम के मदरसे हैं। ये एक पुराना कुआ जो अभी ढक दिया गया है। इन्होंने यहाँ पे जो बोर्ड मारे हैं वो भी शायद, तो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज, फिर इंग्लिश और फिर एक चाइनीज भाषा या जापानीज, कोरियन या जो भी है, उन भाषा में है। अब हम पहुँच गए यहाँ पे। यहाँ पे भी कुछ एक मॉस्क जैसा ही अंदर होगा, पता नहीं। मोटी मोटी दीवारें दिखेगी आपको चारों तरफ। और ये देखा तोस होवली सरोय। सरोय का मतलब वही रुकने की जगह थी पहले, तो अपने जो दिल्ली सराय है वैसा ही सराय सराय ये बोलते हैं इनकी भाषा में। और ये एक दरवाज़ा, यहाँ पे कुछ पुरानी चीज़ें दिखाई दे रही है। ये देखो, ये दरवाज़ा काफ़ी पुराना है, इसकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा छोटे छोटे की गई। इससे भी सामने की तरफ जो एक दरवाज़ा दिख रहा है बड़ा सा, वो बहुत ज़्यादा पुराना है, उसको देखना ज़रूरी है। इसके ऊपर जो लोहे का इस्तेमाल किया ना, वो मुझे देखना कैसा है। ये देखो भाई, ये दरवाज़ा काफ़ी पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना होगा शायद। इसके लोहे के जो अंदर क्लिप लगाए गए हैं, इसको देखो आप, बहुत ज़्यादा पुराने। के अंदर तो कुछ हिस्टोरिक चीज़ रखी गई है, कुछ तोपखाने जैसा सिस्टम है या कोई मशीन थी पहले की। और अंदर एक और, ये कुछ और रखा गया है। और इस तरफ भाई देखो, कुछ मोटी दीवारें और नीचे जो पत्थर है वो रियल पत्थर लग रहे, पहले के ज़माने के, शायद ऐसे ही उबड़ खाबड़, काफ़ी घिसे पीटे पत्थर हैं। कुछ चीज़ें ओरिजिनल लगती हैं। अब चलते हैं भाई इस तरफ। ये एक और टावर बना हुआ, एक मीनार बनी हुई और ये मोटी मोटी दीवारें हैं, इसके बीच में काफ़ी सारे, पीछे भी देखा हमने कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। चलते हैं आगे। एक मीनार वहाँ पे है, एक यहाँ पे है, दोनों साइड दो मीनारे बनी हुई है। भाई चारों तरफ कुछ एक जैसा ही सीन आपको दिखेगा, आपको कुछ नया तो नहीं लगेगा, लेकिन जो है वो दिखाएंगे आपको। यहाँ पे टैक्सी में घूमना सस्ता है लेकिन टॉयलेट जाना महंगा है। एक बार टॉयलेट जाओ 15 रुपये देने पड़ते हैं, और टैक्सी 5-7 किलोमीटर सिर्फ 70-80 रुपये में ले जाती है, 70 रुपये में ले जाती है। तो टैक्सी सस्ती और टॉयलेट महंगा है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? पीछे के दरवाजे की तरफ आ गया, जिस तरफ कोई ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं। और इस दीवार के ऊपर भी कुछ एक झंडे या ऐसा कुछ लगा हुआ है ये। और ये पीछे कुछ घर हैं। अब हम चलते हैं इस दरवाजे से बाहर चलते हैं और देखते हैं कि बाहर क्या देखने को मिलता है।
दरवाजे के बाहर आ चुका हूँ। पीछे काफ़ी खूबसूरती है, काफ़ी हरा भरा और लोग नहीं है, बिल्कुल टूरिस्ट नहीं है। और बैठने की जगह बनाई गई है, लेकिन यहाँ पे कुछ बहुत गंदी गंदी बदबू भी आ रही है भाई। मतलब कोई जैसे कोई टॉयलेट या ऐसी कुछ, पता नहीं क्या चीज़ की बदबू आ रही, बहुत ख़तरनाक बदबू आ रही। उधर भी एक गेट है वहाँ पर भी, तो मुझे लगता है वो पहले गेट हुआ करता था बहुत दूर तक। और यहाँ पर कुछ झंडे लगे हैं, जापान, कोरिया, इंडिया का शायद नहीं है। तो भाई खूबसूरत शाम ढल रही है, और वीडियो यहाँ तक देखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम फ्रॉम उज़्बेकिस्तान।